अस्सलाम वालेकुम। CS615 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 14 इसकी लास्ट डेट है। 9 और 15 लेक्चर्स में से ये आया है। आपको जिस तरह टेबल दिया हुआ है आपने उसी तरह ही बनाना है। इसमें कोई चेंज नहीं करनी, आपने चेंजेस नहीं करनी। आपको बताया हुआ है पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम बतानी है आपने। आपको एक सिनेरियो दिया और उसमें आपने ये 4-5 फिट करने हैं। आपको ये हैंड आउट्स में मिल भी जाएंगे, मैंने भी हैंड आउट से वेरीफाई किया है। आंसर शीट जो उन्होंने दी हुई है उसको आपने चेंज नहीं करना। आप मैंने चेंज कर दिया है सिर्फ इसीलिए कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हो। तो द प्रोजेक्ट मैनेजर नीड्स टू लीड बाय एग्जांपल, तो इसको आप सर्च करोगे लीड बाय एग्जांपल तो आपको मिल जाएगा पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम। तो आप सर्च कर लें द प्रोजेक्ट मैनेजर नीड टू लीड, तो ये एक पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद आपने नेक्स्ट जो है सिनेरियो को पढ़ना है कि नेक्स्ट सिनेरियो क्या है। नेक्स्ट सिनेरियो आपका है द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम कैन लूज फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बाय गेटिंग इनटू रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच। तो आप इसको भी सर्च कर लें रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच या ऑब्जेक्टिव बाय गेटिंग इनटू, तो आपको आंसर मिल जाएगा हैंड आउट से प्रोडक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम। तो आपका दूसरे का आंसर कुछ ये है। तो तीसरा जी है यू मे हैव रिस्क मैनेजमेंट प्लान, तो इसको आप सर्च करिएगा तो ये आपको मिलेगा प्रोसेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। उसके बाद प्रोसेस रिलेटेड के बाद है नेक्स्ट वन, एक सेकेंड, लो डिग्री रीयूज ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट क्रिएटेड, तो ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इसको आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड ढूंढ सकते हैं। उससे पहले है डेडलाइन शुड बी रियलिस्टिक, तो ये जो है इसमें मैंने काफ़ी सर्च किया है, अनरियलिस्टिक का काफ़ी सारा है। तो मुझे अनरियलिस्टिक काफ़ी जगह मिला, शायद असाइनमेंट में अनरियलिस्टिक लिखना था। तो मुझे लग रहा है यहाँ तो इसका कोई आंसर नहीं है या फिर प्रोसेस रिलेटेड प्रॉब्लम है। डेडलाइन जो है वो प्रोसेस के रिलेटेड होती हैं। उसके बाद लो डिग्री रीयूज ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट क्रिएटेड है, तो ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम है। उसके बाद कन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस ओपिनियन विद इन टीम, तो ये पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम है। उसके बाद देयर शुड बी फ्रेंडली वर्क प्लेस, तो अगर अनफ्रेंडली होगा तो वो पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। तो ये भी पॉजिटिव है, अगर शायद इसका आंसर लिखना है कि नहीं, देयर शुड बी फ्रेंडली वर्क प्लेसेस, तो ये भी पीपल रिलेटेड है कि फ्रेंडली वर्क प्लेसेस बनानी चाहिए। द फोकस ऑफ डिवेलपमेंट टीम टू वर्ड स्ट्रक्चर अप्रोच ऑफ सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट, तो ये प्रोसेस रिलेटेड अप्रोच है, प्रोसेस रिलेटेड प्रॉब्लम है ये जो। द फोकस ऑफ डिवेलपमेंट टीम टू वर्ड टू अ स्ट्रक्चर, तो ये प्रोसेस रिलेटेड है, वेरीफाई कर लें आप, मैंने इसको सर्च कर लिया। मैनेजिंग द चेंज इन द स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट, तो ये प्रोडक्ट रिलेटेड है कि प्रोडक्ट की वो स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट चेंज करते हैं, तो प्रोडक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। आखिरी जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट शुड बी इंटीग्रेटेड ईजीली बाय एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, तो ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो ये आपके थे कुछ, तो इनको मैंने इस तरह अलग कर दिए और अब देख लें आप, मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ ताकि आपको एक ही पेज पे मिल जाए ये। आई होप सो कि ये आप एक ही पेज पे आपको मिल जाएंगे। तो हाँ जी, ये अब आ गए। द प्रोजेक्ट मैनेजर नीड टू पीपल रिलेटेड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम कैन लूज द ऑब्जेक्टिव, प्रोडक्ट रिलेटेड, रिस्क मैनेजमेंट, प्रोसेस, और ये सारे आपके सामने हैं। इनको आपने एज इट इज़ ही लिखना है, आंसर शीट को चेंज ना करिएगा। और यू आर रिक्वायर्ड टू मैच द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो आपने ये बताने थे। आई होप सो आपको ये समझ आ गई हो। मैं हैंड आउट्स भी साथ ही खोल के बैठा हूँ, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मैंने अभी भी ये डेडलाइन भी सर्च की है, ये सारा कुछ मैंने सर्च करके, ये देखें लास्ट भी डेडलाइन सर्च किया, तो ये इसमें आ रहा है प्रोसेस रिलेटेड अनरियलिस्टिक, तो वो वहाँ पर रियलिस्टिक है। ये आई होप सो आपको ये सही आंसर है इसके, आप इसको फाइंड आउट कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।